तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये मैंने 1 किलो कैरी ली थी और कैरी का जो छिलका होता है मैंने उतार के रख लिया। देखो इस प्रकार से ये कैरियाँ हैं, 1 किलो के करीब कैरियाँ थी, तो इनका छिलका मैंने उतार लिया। छिलका उतारने के बाद अब मैं इनको कट कर लूँगी, छोटी छोटी कट करके, छोटी छोटी कापियाँ जो होती है उसमें कट कर लूँगी। देखो इस तरह से पहले बड़ी काट लेते हैं और बड़ी काटने के बाद में इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और इस तरह से सारी कैरियाँ मैंने कट कर ली थी, एक एक कैरी को कट कर लिया इस तरह से। आज ये नए तरीके का जो इसको कैरी का छुंदा बोलते हैं, तो ये जोधपुर साइड भी ज़्यादा बनाया जाता है और मैंने भी ये कहीं से सीखा था, तो बहुत टेस्टी बनता है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से मैंने इनको छील लिया है, अभी इनके छोटे छोटे इस तरह से पीस कर लेंगे। लंबे लंबे पीस होते हैं कैरी के, इस तरह से कर लेंगे। ये देखो इस तरह से लंबे लंबे पीस कर लिए इसके। और ये रात को काट रही हूँ मैं कैरी, तो इसका कल बनाऊँगी। इसको अभी वॉश करके और फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ख़राब नहीं हो। जितनी भी आप कैरियाँ काटें उनका सबको इस तरह से लंबे लंबे पीस करके, ये देखो कैरी का जो अंदर का बीज होता है वो है। इसके बाद मैं अब चाशनी बनाकर आपको बताता हूँ। अब ये मैंने थोड़ी सी वो इलायची ले ली है, इतनी 8-10 इलायची लेकर के, और इनको मामदस्ते में कूट लूँगी। 8-10 के करीब होनी चाहिए, करीब मामदस्ते में कूट लेते हैं इनको। काली मिर्ची मेरे पास कूटी हुई है, तो काली मिर्ची इसके अंदर कूट के डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपनी मेल्ट हो रही है, करीब करीब मेल्ट हो चुकी है चीनी। ये देखिए चीनी करीब मेल्ट हो चुकी है। इलायची कूट करके छिलके समेत ही मैंने डाल दी है, ये देखें छिलके समेत डाली है, तो ये बहुत ही अच्छी मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ये जो ये अपने कैरी थी, ये कैरियाँ, ये इसके अंदर पूरी की पूरी सके से डाल दूँगी और गैस की जो फ्लेम है वो कर देंगे कम, लो फ्लेम पे बनेगी ये पूरी। अब इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिला दूँगी। इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है। अभी कैरी भी थोड़ा बहुत अपना पानी छोड़ेगी, तो ये काफ़ी जो चाशनी बनाई थी ये काफ़ी है इसके लिए। और इसमें थोड़ी सी अपन लाल मिर्ची भी डालेंगे ताकि ये टेस्ट, ये लाल मिर्ची है, ये टेस्ट में अच्छी रहे इस तरह से। और अगर आपको कलर अच्छा चाहिए, कैरी का कलर अच्छा चाहिए, तो इतनी हल्दी भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि इसका कलर भी शानदार आए। इसको मैं वापस रख देती हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर ये काली मिर्ची है, काली मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ, इतना सा छोटी चम्मच, जो टीस्पून होती है इतना सा ये काली मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। आप जितना अच्छा टेस्ट में टेस्ट करेंगे, आपको चटपटा ज़्यादा चाहिए, खट्टा मीठा बनता ही है। तो अब इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे। इसमें जो आप खाते हैं बरत का नमक, तो मैं जो बरत के लिए रखती हूँ 11 का नमक होता है, क्योंकि मेरे बीपी लो रहता है इसलिए मैं ये अलग से नमक रखती हूँ। तो ये नमक इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि अपन जब भी कोई फास्ट भी करें ना, तो इसको हम खा सकें।
इसलिए इसके अंदर ऐसा ये ही नमक ऐड करें ताकि कभी भी आपको व्रत में भी खाने की इच्छा हो तो आप इसको खा सकते हैं। इसको लंबे समय तक भी हम रख सकते हैं, 1 साल तक इसको कांच की बरनी में भर के रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तासीर वाला है ये, चुंदा है उसको बोलते हैं। तो अभी ये मेल्ट होता है, ये जब तक बॉयल होता है तब तक इसको एक बार ढक के रख देते हैं। इसे ढक के रख दिया और फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद में इसको देखते हैं, तब तक ये बॉयल भी हो जाएगा और कैरियाँ भी अपना पानी छोड़ देंगी। जो कैरी मैंने छील के रखी थी, ये इनके छिलके हैं, इनको फेंकना नहीं है, इनका अमचूर बनेगा। तो वो प्रोसीजर मैं आपको 1 किलो दूसरी तरीके से कैरी का और हींग वाली कैरी डालती हैं उसको और इसको मिला करके आपको मैं अमचूर बनाना बताऊँगी। ये देखो, ये इनको धूप में नहीं रखना, ये वैसे ही सूख जाते हैं क्योंकि धूप में रखने से इनका कलर जो है ग्रीन नहीं रहता है। तो इसको आप जैसे कैरी का पानी बनाते हैं उसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं तो कलर एकदम ग्रीन ग्रीन आता है। तो ये फेंकना नहीं है, ये कभी भी नहीं फेंके, ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इनको सुखा लें, धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखाना है और इनको फिर काम में लेंगे। तो आप बने रहे ब्लॉग के साथ में। तो फ्रेंड्स, करीब 10 मिनट हो गए हैं, अब अपन देख लेते हैं कि कैरी जो है वो गली या नहीं गली। तो इस तरह से देखते हैं तो कुछ इनके अंदर रह गई हैं, तो इसको थोड़ी 5 मिनट तक और अपन बॉईल करते हैं और इसको दबा करके, कैरी को दबा करके देख लेते हैं कि ये पकी या नहीं पकी। इनको पूरा पकाना है, ये देखो पक गई हैं। तो बस अब इनको ढक के रख देते हैं। कुछ कैरियाँ हैं तो वो जब ये गर्म रहेगी तो इसके अंदर पड़ी रहेंगी, वो तो अपने आप गर्म पानी जो चाशनी है उसके अंदर अपने आप गल जाती हैं, क्योंकि छिलका जो है वो तो अपन ने उतार ही लिया था ऊपर का। तो अब इसके अंदर खाली जो मसाला गुद्दा रहता है कैरी का, बस वो बचा है। चाशनी इस तरह से होगी कुछ, ये देखें, और पानी। अब ये थोड़ी सी देर बाद में इसको ठंडा छोड़ देंगे तो ये अपने आप गाढ़ी होती जाएगी और ये जो कैरी है ये अपने आप, ये इसका जो चाशनी है वो सोख लेगी, चाशनी और नमक। तो ये बहुत टेस्टी बनती हैं, आप भी खाना खाने के बाद में या खाना खाने जब जैसे बच्चे पराठों के साथ में इसको खा सकते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबको ये बहुत पसंद आता है और मैं हर साल इसको बना करके रखती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा या बनाने का तरीका बहुत अच्छा लगा तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से बना कर खिलाएँ, पराठों के साथ दे दें, बच्चों के टिफ़िन में डाल दें, बहुत बच्चे बहुत शौक करके खाते हैं इसको, बच्चे बूढ़े और जवान इसको बहुत अच्छी तरह से सब खाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना या कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप मेरे शुरू से सपोर्टर हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हैं वीडियो पर तो नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी करना ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि अभी कैरियाँ आ रही हैं, कच्ची कच्ची कैरियाँ हैं, इसके अंदर वो जो धागा पड़ जाता है कैरी में उसके बाद ये इतनी टेस्टी नहीं रहती है, क्योंकि जब हम इसको खाते हैं तो दांतों में इसका धागा उलझता है, लेकिन अब ये कच्ची कच्ची कैरियाँ हैं। तो आप कोशिश करना इसको शेयर करने का ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, और अच्छी लगी है ये रेसिपी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ऐसी अच्छी लगी। और इसके बाद मैं एक वीडियो और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी कैरी है, कैरी का अचार नहीं है लेकिन हींग जैसे हम उसको भी 1 साल तक पूरे स्टोर कर सकते हैं बिना किसी तेल और मसाले के, हम उसको स्टोर कर सकते हैं 1 साल तक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग वीडियो, और अगली बार मिलते हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में। तो धन्यवाद। अब इसको मैं जो गैस है उसकी फ्लेम कम बंद कर देती हूँ और इसको ढक करके रख देते हैं ताकि जो कच्ची रह रही है बीच में वो पक जाए इस तरह से। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।